माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के संकाय में बच्चों को प्रवेश न होने पर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है। अभिभावकों को प्रिंसिपल मनोरमा यादव से मुलाकात कर स्कूल में बच्चों को प्रवेश देने की बात की, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है और जगह नहीं है और सेक्शन बढ़ाने के लिए आगे प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस अवसर पर न्यूज फ्लैश से सुनिए अभिभावक जेपी कोचर की जुबानी, वही प्रिंसिपल यादव की मजबूरी। कोटिया, मेरी बेटी का भी वेटिंग में है और यहाँ जितने भी जो अभिभावक आप देख रहे हैं, जो अभिभावक यहाँ आए हुए हैं, जिस तरह से इस मामले का, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, डायरेक्टर महोदय ने आदेश जारी किए आके सेक्शन बढ़ा सकते हैं स्कूल, और उसके बाद में ही हम वे पहले तो दो चार दिन वेट किया, उसके बाद में आके मैं खुद व्यक्तिगत, दो चार लोग और थे मेरे साथ, मैडम से आके हम मिले हैं और एक बार नहीं, मैं तीन बार आके मिल चुका मैडम से। पहले फ़ोन पर बात हुई थी, मैडम बोली मैं जयपुर जाऊँगी, 26 तारीख को मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जो निर्णय होगा उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद में भी कोई जवाब नहीं आया। आज सभी जो मैं आया तो बाकी देखा कि वो और अभिभावक भी सभी आए हुए हैं, हम सभी लोग मैडम के पास गए, बैठे, शांतिपूर्वक बात हुई, लेकिन मैडम ने किसी भी प्रकार का जवाब देने से मना कर दिया। मैडम ये कहती है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो मैं कहता हूँ मैडम संसाधनों की कमी, यदि सरदारी स्कूल में कमी है तो राजस्थान के किसी भी स्कूल में संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकते। जब हम पढ़ते थे इसी स्कूल में तो 3000+ विद्यार्थी हुआ करते थे, आज 500 बच्चों को बिठाने में समस्या आ रही है। दो पारी में चला सकते हैं, इंग्लिश मीडियम एक पारी में चल सकता है, हिंदी मीडियम एक पारी में चल सकता है। सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल तो कर दी, लेकिन हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा? जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आगे जब ये इंग्लिश मीडियम हो जाएगी तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कोटपुतली शहर में कोई 12वीं तक की कोई हिंदी मीडियम के आगे स्कूल भी नहीं है। अब मैडम ये कहती है कि मैं मान लो आपके बच्चों का एडमिशन दे देती हूँ तो उन बच्चों का फिर खाना बनेगा, तो आपके बच्चों को ही खाना के जो बर्तन होंगे साफ करने होंगे, या आप लोगों को आना पड़ेगा उनके लिए, हमें बिल्डिंग बनवा के दो, हमें ये चीज़ें करवा के दो, हमें टीचर ला के दो। हमने मैडम से कहा मैडम ये देखिए, जब सरकार में जब डायरेक्टर महोदय जो बैठे हैं, आईएएस अधिकारी बैठे हैं, निश्चित रूप से जो आईएएस अधिकारी है अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो है, और सरकार जो योजना लेके आ रही है तो ऐसी व्यवस्थाएं सरकार करेगी, ये तो अपना काम जो है हमें वो करना चाहिए। बाकी अपने को जो अपने से ऊपर का जो काम है सरकार का है या जो शिक्षा विभाग का है वो अपने अनुसार करेंगे, और फिर जाएंगे यहाँ की कोटपुतली के जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी भी ड्यूटी बनती है कि आपकी जो समस्याएं हैं जो आपसे नहीं होती है तो सरकार तक हम पहुँचाएं की व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैडम ने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया कि बच्चों का क्या। मंत्री जी के पास हम गए थे तो मंत्री जी के पास जैसे ही गए तो मंत्री जी का भी व्यवहार थोड़ा सा उचित नहीं था। चलो फिर भी कोई नहीं, कई तरह की समस्याएं होती हैं, बाद में उन्होंने बिठाया, बातचीत भी हुई हमारी, अच्छे माहौल में बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने भी सेक्शन बढ़ाने के लिए बोल के नहीं बढ़ेंगे, मना कर दिया था। लेकिन उसी दिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने चर्चा की, बातचीत हुई, तो वहां से डायरेक्टर ने उसी दिन आदेश किए और पूरे राजस्थान में सीटें डबल करने के, और डायरेक्टर मोदी ने यह भी आदेश किए कि यदि किसी के पास बच्चे ज्यादा आते हैं तो 2 सेक्शन नहीं, आप 3 सेक्शन भी कर सकते हैं। और सरदार स्कूल में अभी 255 बच्चों का एडमिशन हुआ है इंग्लिश मीडियम में, तो यहां और भी बच्चे आ सकते हैं, या 500 बच्चे इंग्लिश मीडियम में हो जाएंगे, क्षेत्र का भला हो जाएगा। मैडम आज ये जो बाहर जो प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रदर्शन के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं। अभिभावकों का कहना ये है कि मैडम ने जैसे हम गए तो उन्होंने हमसे कुछ इस तरह से बातें की कि यहाँ पे सेक्शन नहीं है मेरे पास, अलाउ नहीं है मेरे पास, और अगर बच्चों को मैं एडमिशन देती हूँ तो गाय भैंसों की तरह यहाँ बैठाना पड़ेगा, बर्तन मंजवाने पड़ेंगे, तो ये क्या सही बात है? कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। कल कुछ गार्जियंस आए थे मेरे पास, उन्होंने पूछा था, तो उनसे मैंने ये कहा कि एक पारी में जैसे 2 सेक्शन की जो हमें स्वीकृति मिली है तो उसके अंदर एक पारी में विद्यालय चलाना संभव नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास कक्षा कक्ष नहीं है, और 2 पारी के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 2 पारी में अगर हम चलाते हैं तो उसके लिए हम प्रस्ताव भिजवाएंगे, और अगर वहाँ डायरेक्टर साहब से मिल जाते हैं तो हम उसको 2 पारी में चलाएंगे और 2 सेक्शन हम करते हैं। सीटिंग व्यवस्था के लिए क्या चार्ट है मैडम? वैसे सिटिंग व्यवस्था के लिए एक पारी के अंदर तो देखिए मेरे पास 8 कक्षा तो ये हो गए, और 9वीं से 12वीं तक के मेरे पास, 11वीं 12वीं में मेरे पास 14 सेक्शन है, 9वीं से और 10वीं में मेरे पास 4 सेक्शन, तो उनकी व्यवस्था भी मेरे को करनी है। और विद्यालय में इतनी कक्षा है क्योंकि 8 कमरे पहले वहाँ चलते थे, अब वो 8 कमरे भी यहीं पर आ गए हैं,
तो 8 कक्षा कक्ष बुक हो गए, जबकि मैंने सारे कक्षा कक्ष अपने खाली करवा लिए हैं जहाँ तक संभव नहीं सब खाली करा के और मैं कक्षाएँ लगा रही हूँ, लेकिन दो सेक्शन करने पर मेरे पास इतने कक्षा कक्ष उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको दो पारी में करना पड़ेगा और टीचर्स भी उपलब्ध नहीं है, टीचर्स तो यहीं से काम चला रहा है। मैम जैसे अपन ये प्रस्ताव भेजेंगे डबल शिफ्ट के लिए, इसमें कितना टाइम लग जाएगा, कितना क्या होता है इसका प्रोसेस का? सर पता है, हम प्रस्ताव भेज देंगे, वहाँ से कितने दिन में आता है इसी के बाद आगे का।